तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम राशिद जी और रामजी पांडे जी के साथ एक्सेल फॉर्मूलेज की बात कर रहे हैं। एक्सेल फॉर्मूलेज में हम लोग मैच इंडेक्स एंड ऑफसेट फॉर्मूले के बारे में बातचीत करेंगे। हमने लास्ट क्लासेस में वी लुकअप के बारे में बात किया था, आज हम बात करेंगे मैच इंडेक्स एंड ऑफसेट फॉर्मूले के बारे में। तो क्लास हम शुरू करते हैं बस कुछ सेकेंड्स में। और जो लोग मेरे YouTube में इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरी देखें, अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला से लिंक है तो आपको पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आपको सिक्वेंस वीडियोज लेना है तो आप मेरे ऐप को, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है। साथ में आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास लाइव लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी राशिद जी यूएई से और रामजी पांडे जी दिल्ली से ज्वाइन किए हुए हैं, और आप भी इस तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे डेमो क्लास का फॉर्म भर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है। तो रामजी पांडे जी और राशिद जी, चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं मैच और इंडेक्स की। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये डेटा है, अब मान लीजिए कि मुझे 8 नंबर का नेम चाहिए, 8 नंबर आईडी का मुझे नेम लुकअप करना है। तो आप बोलेंगे कि सर किस पे क्या बड़ी बात है, हम इस सिंपल सा वी लुकअप लगा लेंगे, राइट? ठीक है, वी लुकअप लगा लेंगे, लेकिन वी लुकअप कब तक लगाएंगे? जब तक आईडी जो है आपके पास स्टार्टिंग में, आईडी यहाँ पे है तो वी लुकअप लगा सकते हैं ना सर। लेकिन अगर मैंने आईडी को उठा के क्वांटिटी से पहले कर दिया, आईडी को उठा के हमने क्वांटिटी से पहले कर दिया, तो क्या होगा? अब यहां पे तो आपका नहीं लग सकता ना, क्योंकि वी लुकअप वर्टिकल लुकअप जो है वो लेफ्ट टू राइट चलता है, मतलब कि जो स्टार्टिंग सिलेक्ट करेंगे उससे आगे की चीजों को लुकअप करेगा, और जो जहां से आप वैल्यू स्टार्ट करते हैं वहां से आपका जो है ढूंढना शुरू करता है, उसी के पहले कॉलम में ढूंढता है। सो यहाँ पे वी लुकअप वर्क नहीं करेगा। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है मैच का, मैच हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा एंड लुकअप वैल्यू। जो हमारा लुकअप वैल्यू मतलब कि किसने लुकअप करना है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे कॉमा 0 कर लिया, तो इसने 9 दिया, मतलब कि 9 नंबर रो। अब देखिए यहाँ पे इस 9 से कोई लेना देना नहीं, मैं रो नंबर से लेना देना काउंट करता है। अगर मान लीजिए मैं आईडी से नहीं, आईडी हेडिंग से नहीं, एक रो नीचे ई टू से शुरू करता हूँ तो फिर 8 दे रहा है, मतलब ये काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैच जो है वो रो नंबर या कॉलम नंबर देता है, रो इंडेक्स नंबर एंड कॉलम इंडेक्स नंबर को देता है। अब मुझे 9 में पता चल गया, हमारे पास एक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। इंडेक्स फॉर्मूला में आपने अगर अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया और इसमें आपने बताया कि आपका रो नंबर क्या है, तो हमने बोला रो नंबर 9 एंड कॉलम नंबर हमने बोला 1 2, तो हमारा नाम आ जाता है। तो वी लुकअप की तरह वर्क करता है, जैसे ही मैं यहाँ पे 6 देता हूँ इसका रो नंबर आपका मैच दे देता है, और रो नंबर मिलते ही आपका इंडेक्स जो है उसको उसकी वैल्यू शो कर देता है। तो राशिद जी एंड रामजी पांडे जी, मैच ये आपको मैच और इंडेक्स समझ में आया आप लोगों को? जी जी इतना तो समझ में आ गया आपको सर, रामजी पांडे जी? तो कहने का मतलब है कि इंडेक्स दो फॉर्मूले का मिक्सअप यहाँ पे। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स आपका करता है कि उसके रो एंड कॉलम नंबर देंगे तो लुकअप कर देगा, और रो नंबर ऑटोमेटिकली कैसे मिलेगा या कॉलम ऑटोमेटिक कैसे मिलेगा, जब हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको इसमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ सकता है, आपके डेट में डेटा बढ़ेगा घटेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना सर, बराबर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेम ऑफसेट का फॉर्मूला है। ऑफसेट के फॉर्मूले में खासियत ये है कि हमें जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सेलेक्ट करना होता है। हमने डेटा सेलेक्ट किया A1, अब A1 से हमने बोला 7 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम, यहाँ पे रिजल्ट नोएडा दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफसेट जो है काउंटिंग 0 से करता है, तो अगर आपने इसमें 7 नंबर रो दिया मतलब कि 8 हो गया, 0 1 2 होते हुए 8 पे पहुंच गया, समझे? और हमने वन सेकंड सर, वन सेकंड और एक बार, हमने 7 नंबर दिया ना यहाँ पे सर
रो नंबर, जी जैसे जीरो से काउंट शुरू किया, 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके वो 8 पे पहुंचे। मतलब कि अगर हम 1 देते हैं तो अगर हम 1 लिखेंगे तो ऑप्शन के लिए 2 होगा, क्योंकि 0 1। बात समझ में आया आपको? तो जी सर, यहां पर 2 दे दिया तो ऑप्शन के लिए क्या होगा, 3 हो गया, 0 1 2, 3 कॉलम चला। तो इसलिए हमेशा इसमें कम दिया जाता है, क्योंकि ऑफसेट काउंटिंग 0 से करता है। ओके, ओके सर। तो इसमें फायदा क्या हुआ कि अब आपको पूरा एरिया सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द डेटा को सिलेक्ट किया, राइट सर? राइट सर। अब इसके बाद यहाँ डेटा कितना भी बढ़े घटे, ऑफसेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफसेट आप यूज कर सकते हैं। तो ऑफसेट और मैच को भी वी लुकअप की तरह लुकअप वैल्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेनिफिट क्या है, पूरा डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो यूनिक नंबर है उसका पोजीशन चाहे जो भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ओके सर। अब बात करते हैं कि अगर हम मैच मैच या ऑफसेट यूज करते हैं तो हम एक्स लुकअप क्यों यूज करेंगे। एक फॉर्मूला आता है एक्स लुकअप का, जो कि लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप जस्ट लाइक वी लुकअप है, लेकिन ए एडवांस है थोड़ा सा। हमने यहाँ पे 6 को सिलेक्ट किया, राइट, लुकअप वैल्यू। अब बोलता है लुकअप एरे कि किस में लुकअप करना है, तो हमने बोला आईडी वाले में लुकअप करना है। रिटर्न क्या करना है, हमने बोला रिटर्न हमें नेम करना है। अगर वैल्यू ना मिला तो यहाँ पे शो कर दो वैल्यू नॉट फाउंड। एग्जैक्ट मैच करना है, जी हाँ एग्जैक्ट। सर्च मोड क्या है, फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट, हमने फर्स्ट टू लास्ट आ गया सर। तो ये जो बाकी चीजें दी है देना जरूरी नहीं है, पर मैं बता रहा हूं क्या है। तो ये हमने यहां तक लगा सकते हैं, तो वी लुकअप की तरफ वर्क करेगा, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि हमें किस में लुकअप करना और क्या, तो ये जो आपने मैच और इंडेक्स मैच और आपने यहाँ पे ऑफसेट मैच जो लगाया है वो लगाने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी 50, तो ये तो एरर दे रहा है, दे रहा है एरर सर। तो आपके लिए इसमें इफ एरर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा एरर को ट्रिगर करने के लिए। बट वी एक्स लुकअप में ऑलरेडी हमारे पास ये फीचर होता है, आपने यहां पे दे दिया वैल्यू नॉट फॉल्ड, राइट, तो ये आपको वैल्यू नॉट फॉल्ड मिलेगा। उसके बाद यहां पे आता है आपका एक सर्च एग्जैक्ट मैच, मतलब कि एग्जैक्ट होना चाहिए, मिलता जुलता एग्जैक्ट होना चाहिए। अब मिलता जुलता क्या होता है आगे क्लास में समझाऊंगा मैं आपको। उसके बाद एक आता है सर्च फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट लास्ट क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने यहां पे 5 दिया, राइट, 5 का देव आ गया। अब 5 जो है हमारा 2 बार है, एक 5 कर दिए तो नीतू आया, आया ना क्या सर? जी सर। इसी में मैं लग दिया लास्ट टू, यहाँ पे हमने कर दिया लास्ट टू फर्स्ट। लास्ट टू फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, देव आएगा। समझ में आया, वीलुकअप में फैसिलिटी नहीं है जी, बिल्कुल। वीलुकअप या मैच बोलिए, आपको सबसे पहला ही ढूंढ के देगा, राइट। बट एक्स लुकअप में आप ये दे सकते हैं कि पहला नहीं मुझे दूसरा चाहिए, ठीक है? ठीक है सर, दूसरा देगा। इसमें एक चीज और भी है, बाइनरी सर्च बाइनरी सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, और सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये शॉर्ट करके लेगा। तो नेम वगैरह भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है? ठीक है सर। तो एक्स लुकअप समझ में आ गया? हाँ, एक्स लुकअप समझ में आ गया आपको सर? आया हम जी पांडे जी? जी जी सर। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक होता है वो एच लुकअप के लिए बात करेंगे हमने। पर यहाँ पे तो सर ये जो जैसे इंडेक्स मैच जहाँ हमने यूज किया, हाँ? उसके जगह पे तो एक चूज फंक्शन के साथ भी लुकअप यूज करने पे हो जाता है ना? नहीं, चूज फंक्शन का थोड़ी होगा, मैच इंडेक्स का यूज होता है लुकअप करने के लिए। वी लुकअप जब लगाओगे चूज क्यों लगाओगे? नहीं वो मैं सर बात नहीं कर, जैसे अभी आईडी हमने जैसे वी लुकअप लेफ्ट से राइट चलता है ना, तो आईडी अगर बीच में हो गई उसके हिसाब से अगर नाम चूज करना है, तभी इंडेक्स मैच जो हमने लगाया वी लुकअप से नहीं आता, हुँ.
अगर चूज फंक्शन को ऐड को मिला के वैल्यू को चूज करेंगे तो हो जाता है ना वैसे भी। नहीं, चूज का यूज कब होता है, जब आपके पास दो डेटा है, आप इसमें से लेके इसमें लेना चाहते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। सर मैंने भी ऐसे भी एक बार देखा था सर, कल मैं आपको एक एग्जांपल सर देखता हूँ, ठीक बना के भेजूंगा, मेरे को आता नहीं है लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था ठीक उसमें है बहुत ठीक है पहले, मैं ट्राई करूंगा कल एक एग्जांपल बना के देखूंगा। ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि मेरी आईडी जो है वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल है। अब मुझे मान लीजिए 7 के अगेंस्ट मुझे नेम चाहिए, तो यहां हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहां सिंपल हम लोग एच लुकअप का यूज करेंगे, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू। और जैसे वी लुकअप में हम आईडी सिलेक्ट शुरू कर देते, यहां भी इसी तरह से बस रो वाइज हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, वी लुकअप में कॉलम देते तो यहां पे रो देंगे कि तीसरा नंबर चाहिए और एग्जैक्ट मैच आ गया। सर इंदर कोई जी सर, डाउट इसमें, नहीं नहीं इसको आप थैंक मैच इंडेक्स भी कर सकते हैं, आपने मैच लगाया और मैच लगाने क्योंकि मैच वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चलता है, आपने कॉलम नंबर ले लिया, देन मैं यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा और इंडेक्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ हम दे देंगे 3 नंबर रो एंड 8 नंबर कॉलम आ गया। और जब इंडेक्स लग सकता है तो ऑफसेट भी लग सकता है, हम ऑफसेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर -1। ठीक है सर। ओके अब इंडेक्स मैच लगेगा तो यहाँ पे हम एक्स लुकअप भी लगा सकते हैं। अब एक 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 एक्स लुकअप फॉर्मूला एच लुकअप वी लुकअप सबको पीछे छोड़ रहा है, तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे लुकअप एरे, तो एक्स लुकअप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों चलता है। ठीक है, ठीक है सर, ये आपका इंदर आ गया, क्लियर है। क्लियर सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे मेरे पास कुछ सेल्स फिगर है, आपको याद होगा जब मैंने इफ पढ़ाया था तो आपको एक स्लैब इंसेंटिव के बारे में बताया था, याद है सर। जी, याद है। चलिए उसी स्लैब इंसेंटिव को यहां हम जानते हैं, जैसे मुझे यहां 0 to 40 होने पे 500 का इंसेंटिव देना है, 41 to 80 होने पे 1000 का, और 81 to 100 पे हमें देना है 2000 का, और ग्रेटर देन जब 100 होगा तो हमें देना है 5000। अब ये चीजें यहाँ पे इफ फॉर्मूले के साथ हमने करना सिखाया था, हम इसको वी लुकअप से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए तो यहाँ पे हम 0, 41, 81 और 101, मतलब सबका स्टार्टिंग पोजीशन हमने यहाँ पर रख लिया, राइट। यहाँ पे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला वी लुकअप का, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू और अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 2 चाहिए, अब यहाँ पे ट्रू कर देंगे या फिर वॉल कर देंगे, हम एग्जैक्ट मैच मतलब किसी फॉल्स या जीरो ना करेंगे, हम यहाँ पर ऑफिशियल मैच को करेंगे, इससे क्या होगा 500 में। तो ये देखेगा कि 24 किसके बिटवीन में है और जिसके बिटवीन में होगा उसकी वैल्यू शो करेगी, समझे। जैसे समझिए, मैं यहाँ पर अगर 81 कर दूं तो 2000 को कि 81 इसके अंदर में है और इसने इसको शो किया, राइट। और यही सेम फीचर्स वी लुकअप में, मैच में और एक्स लुकअप में इंप्लीमेंट होता है, इसको हम लुकअप फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। लुकअप हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने लुकअप वेक्टर कॉमा रिजल्ट वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, तो रिजल्ट आपके सामने है। बट लुकअप का एक बेनिफिट है कि आप कर्ली ब्रैकेट में इसी के अंदर अपना डेटा डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है सर। कॉमा और यहाँ पे 500, 1000, 2000 एंड 5000, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, अगली जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी हमारा वी लुकअप मेथड, मतलब वी लुकअप के ट्रिक्स के बारे में बात करें।